नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। फिर आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक फ़ोटो यूवी मैपिंग। एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर आपको कोई फ़ोटो प्लेस करना है तो कैसे करेंगे ये हम आज सीखेंगे। जैसे मेरे पास एक ये क्यूब मैंने ले रखा है और मैंने इस पर एक फ़ोटो प्लेस कर रखी है ताजमहल की। देख रहे हैं आप, ये चारों भी खोल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने इस पे ये फ़ोटो प्लेस कर रखी है ताजमहल की। तो इसको हम कैसे करें आज हम ये देखेंगे। ये शुरू करते हैं। पहले मैंने एक नया पेज ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से क्यूब ले लिया, सॉलिड बॉक्स सेंटर्स ले लिया मैंने, किसी भी साइज का ले लो आप। 50 mm का ले लिया, आपको जिस भी साइज का चाहिए उसको उसमें ले लीजिए आप। ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लोर कर लिया है, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं इस पर कोई भी एक टेक्सचर अप्लाई करता हूँ। मैं वीरे में गया, मैंने एक मटेरियल ले लिया जेनरिक और उसको मैंने इस पर अप्लाई कर दिया और मैंने यहाँ से एक टेक्सचर कॉल करा लिया बिटमैप से। कोई फ़ोटो पड़ी है मेरे पास, ये ताजमहल की फ़ोटो है, मैं इसको इसमें कॉल करा ले रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने मटेरियल को अप्लाई कर रखा था इसके ऊपर, इस पर आ गया है, बट ये हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं आया ये। तो हम आज यही देखेंगे कि इसको एग्जैक्ट कैसे हर एक फेस पे पूरा प्रॉपर ताजमहल कैसे लेकर आएँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूवी एडिटर ओपन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इंटर, जब आप यूवी एडिटर खोलते हैं तो आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये आपको एक विंडो ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, फर्स्ट कॉर्नर इन द अदर कॉर्नर। ये देखिए आपके सामने एक फ़ोटो आ गई है, तो हमने कॉल कराया था वीरे में जाके। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि इसके हर एक फेस पे ये सिंगल ताजमहल पूरा लाना है। इस वाले में सारे फेस को एक के ऊपर एक कर लूँगा, मैं ड्रैग क्लिक कर लेता हूँ एक बार। इधर का भी कर लेता हूँ एक बार। कर लेता हूँ, जिससे आपको पता होगा कि एक सॉलिड क्यूब में 6 फेस होते हैं, चार चारों साइड होते हैं और एक ऊपर है एक नीचे। तो ये सारे 6 फेस मैंने एक पे कर दिए हैं। उसके बाद मेरे को जितना एरिया ताजमहल का चाहिए हर एक फेस पे, उतना बड़ा मैं इसको कर लूँगा। मेरे को चाहिए पूरा ताजमहल, मैं इसको पूरे पे कर लूँगा। स्केल लिख रहा गया साइड में, मैं इसको कर लूंगा स्केल। तो बड़ा हो गया ये, मैं छोटा करता हूँ। फिट हो गया, मैं इसको करता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ रेंडर व्यू। मैं इधर भी कर ले रहा हूँ रेंडर व्यू। अब मैं इसको कर दूंगा एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने के बाद घुमा लूँगा जिस मेरे को जिस एंगल में जिस तरह चाहिए। मैं इसको भी कर ले रहा हूँ रेंडर व्यू में। मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, केवल इस फेस को, कल फेस को जिसको करना है रोटेट मेरे को। मैं यहाँ से कर लूँगा इसको रोटेट। तो ये सेंटर में नहीं है, पहले हमें इसको करना है सेंटर में ऑब्जेक्ट को। अब मैं इसको करूँगा रोटेट। ये देखिए, अब मैं ऐसे इसको भी, इस फेस को भी कर लेता हूँ रोटेट। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ है, हमारी ताजमहल की फ़ोटो इस क्यूब के ऊपर मैप हो गई है। हर फेस पे सिमिलर ताजमहल दिख रहा है एक जैसा। कि पहले क्या हो रहा था कि एक की फ़ोटो
बट बट के हर एक पूरे क्यूब पे आ गई थी। अब क्या है, हर एक मतलब क्यूब के हर एक फेस पे पूरा पूरा फोटो आया है। आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं आपको बता दूँ, हमने एक राइनो बिगनर्स के लिए एक राइनो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आप बहुत ही बेसिक से राइनो सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक उसको देखा नहीं है तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। उसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।